कर लोगे। कंडक्टर करो किहड़े किहड़े आपां वरतदे लाइनां दे विच कंडक्टर लो भी पहला तो लिखो कॉपर कंडक्टर मतलब तांबे दी तारां बहुत ज्यादा घट वरतदे आपां इन्हां नूं तांबे दी तारां बहुत ज्यादा घट वरतदे आ हालांकि इहदा पाउण दा आपां नूं फायदा हैगा। देखो आपां नूं सारिआं नूं इन्ना पता जे मेरे कोल 1 mm तार आह 1 mm तार अलमीनियम दी है 1 mm मेरे कोल कहदी है आ हैगी तांबे दी आ हैगी अलूमीनियम दी ठीक है दोनों 1 mm स्केयर दिया ने केड़ी दे विच करंट वध लंघूगा मतलब केड़ी लोड वध चकूगी दोनों सेम साइज दिया ने तांबे ही चकूगी है ना पर आप फिर भी की पाने अलूमीनियम पाने होंगे ये दो कारण ने एक तो तांबे की क्या जी कॉस्ट है वो की ज्यादा हैगी मतलब की है महंगा पैंदा है ठीक है महंगा पैंदा अलमीनियम वाला ट्रांसफार्मर कदे खुला देखिया चोरों नूं निशानी हुंदी वी अलमीनियम वाला तांबे वाला देखिया कदे उन्हें थोड़ी खोल दे किहड़ा खोलणगे केवलां तांबे दे हुंदे ने उह वढणगे ठीक है की आ महंगा हुंदा इह तांबे दी कॉस्ट की आ महंगी आ दूजा आपां नूं क्यों नहीं वरतदे हैगे इक तां महंगा हुंदा दूजा की आ इह इहदी स्पैसिफिक ग्रैविटी मतलब वेट दे विच की हुंदा इह भारा हुंदा अलमीनियम दे नालों जे आपां भारी चीज़ पा रहे हां स्पैन की रखना पऊगा घट मतलब खंभे नेड़े नेड़े रखने पैणगे जे खंभे नेड़े नेड़े रख रहे हैं जे अपने मान लो लैंड 100 किलोमीटर आ किन्ने खंभे का फर्क पै जूगा कुछ तो अपनी कॉस्ट कि वध गई वध गई कुछ अपनी गांह खंभे ना वध गई अपनी लैंड की कॉस्ट की हो जूगी महंगी होगी ठीक है दूजी गल की डर रहेगा आपको चोरों का डर रहेगा समझ गए ता करके आप कंडक्टर वरतते हैं अजकल ACSR इहदी फुल फॉर्म सारनू याद आउंदी हुंदी है लिख लो अलमीनियम सी ते की हो सकता कंडक्टर एस ते स्टील रेनफोर्स कुछ नहीं हैगा आ पे थोड़ा कंडक्टर देख लेने आप आ कंडक्टर है आ देख लो आ कंडक्टर है देखो इन्होंने फुल फॉर्म याद रखने का तरीका की क्या अलूमीनियम ने की ने कंडक्टर ने जिहड़े विचाले एक स्टील की तार हुंदी है सारे नूं पता है ठीक है अलूमीनियम ने की ने कहिंदे कंडक्टर ने स्टील की दित्ती हुई है रेनफोर्स का मतलब हुंदा मजबूती जे आपां स्टील की तार कढ़ के इहनूं खिचीए थोड़े रही टुट जूगा क्योंकि इहदी जिहड़ी स्ट्रेंथ हुंदी है कि बहुत ज्यादा घट हुंदी है अलूमीनियम की उहदा करके आपां नूं की करना पैंदा है विच एक स्टील की तार पाउणी पैंदी हुंदी है जे आपां तांबे का कंडक्टर बना रहे हां उहदे विच स्टील की तार पाउण की लोड़ नहीं हैगी क्योंकि तांबा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਆਉਂਦਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟੀਲ ਰੇਨਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟੀਲ ਰੇਨਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮਤਲਬ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂਬੀ ਚੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਲਗਭਗ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟੀਲ ਰੇਨਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ACSR ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੋਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਸਲੋਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਸਲੋਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਕਾਹਦੀ ਆ ਗਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਏ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਦੇਖੋ ਐਂ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ ਮੋਟਾ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ
कट्टन कुट्टन वाला यार खराब जहा होता है मूहरों आ देखो ये कि लेयर ने है ना सामने निगाह बजती है ये बचाले पांच दस स्टील दारा ने मतलब एक लेयर तक आदि है स्टील की है उद बाद उत्ते चढ़ी हुई है एक दो तीन तीन लेयर दूजिया चढ़िया हुई ने अपने कंडक्टर दया समझ लगे ना ये सोनू की पसंद है पहली लेयर किन्ने कंडक्टर पैणगे दूजी लेयर किन्ने कंडक्टर पैणगे तीजी किन्ने कंडक्टर पैणगे ये सुनो आह क्वेश्चन आता होंगे भी पहली लेयर देखो एक दो तीन चार पाँच छे पै गए अगली देने पैणगे जिद उत्ते एक लेयर होर चाढ़नी हो मैं वो उत्ते किन्ने कंडक्टर पैणगे समझ गए जिदा एक दो कहना एक कहना दो कहना फिर तो आप गिण भी लवेंगे जो उन्हें कहता दस लेयर के किन्ने कंडक्टर पैणगे या पंद्रह लेयर के कहता फिर आप इन्ना टाइम थोड़ी लवेंगे वो वास्ते एक फार्मूला नोट करो सिंपल मिनटो मिनट ही निकल जूगा ये ट्रांसमिशन लैण का कंडक्टर है बड़िया लैण का ट्रांसमिशन लैण का डिस्ट्रीब्यूशन लैणा के पैंता कहता थोड़ा मैं दिखाया हुआ ठीक है जोड़िया बड़िया लैणी टावर वाली ट्रांसमिशन लैणा के वरत्या जाता है जिते ज़्यादा करंट की लड़ होंगी है हम ये उ सारे की है ट्रांसमिशन लैणा के सारे एरिए का लोड होगा उत्थे आह कंडक्टर पेगा इतने की है कल एक एरिए का लोड होगा लिखो भी फार्मूला लिखो यदा लो भी फार्मूला लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टैंड क्ढण का टोटल नंबर ऑफ स्टैंड इनू स्टैंड बोलते एक ठीक है लिख लो थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन बस आ लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्टैंड कटन का फार्मूला दसो एक दो तीन चार पांच छे टोटल तारा कि हो गया सत्त यदा मैं थोड़ा क्ड के दिखा कि मैं निकलता एन का मतलब की होंगे भी किनिया लेयर पाइया हुई ने आह की बन गई एक पहला तो कला कंडक्टर ही रहेगा ये कोई लेयर नहीं हैगी ठीक है आह की बन गई एक लेयर बन गई हूँ अपनी ठीक है हम आप एक भरेंगे इतने तीन एन का मतलब हम नंबर ऑफ लेयर एक का स्क्वायर प्लस तीन गुणा एक प्लस वन एक का स्क्वायर की होंगे एको ही होंगे एक तीन ना गुणा करेंगे तीन आऊगा तीन प्लस तीन एक ना गुणा करेंगे किन्ने बन गए आप किन्ने किन्ने से सत्त आ गए ठीक है जो उन्हें कहता क्लीयर होर पाती इतने भी हूँ दसो टोटल किन्ने फिर आपने की कर देना उही फार्मूला थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन एन का मतलब कुछ नहीं भी किन्निया लेयर पाई हुई ने बस इन गल याद रखियो ठीक है उस बाद की है तीन लेयर किन्निया ने दो का की कर दो प्लस थ्री गुणा दो प्लस दो बारी गुणा यदा स्केयर का मतलब होंगे जेडे अखर उत्ते पिया हुआ है जिमें दो उत्ते पिया हुआ यदा मतलब क्या दो गुणा मतलब चार ठीक है हुण इहदा मतलब की बनेगा इत्थे चार ना गुणा चार तीए तीन दुनी प्लस एक बारह ते अठारह ते एक हुण टोटल कंडक्टर किन्ने बनगे बनगे साढ़े उन्नी कंडक्टर बनगे जो गिनने फार्मूला लाना गा ठीक है जे थोनू कह दे भी दूजी लेयर किन्ने हो तीजी लेयर किन्ने हो फिर किमें कढ़ोगे किमें हाँ जे थोनू कहता भी तीजी लेयर कल्ली तीजी लेयर किन्ने हो लो कड्डो फिर कोई गल नहीं तीजी लेयर किन्ने हो करता सैंती सैंती तो सारे हो मैं पूछे तीजी लेयर किन्ने हो तीजी लेयर की गल करिए मैं सैंती का की हो सारे हो जो तुम कढ़ते हो तीजी लेयर फिर किमें कढ़ोगे आ वेरी गुड आ कढ़ा मुंडे ने आंसर देखो जे थोनू एक लेयर पुछदा पहला तीन लेयर के कढ़ लो किन्ने निकले वो दो लेयर का कट के उन्होंने माइनस कर दो पिछे कि रह जाएंगे तीजी लेयर के रह जाएंगे एक लेयर के रह जाएंगे मान लो आप कट के देखते लो आपको पता ना दूजी लेयर किन्ने ने उन्नी ने दूजी तक टोटल किन्ने ने उन्नी ने आप करो तेते हो कट लो की कह तीजी लेयर का कट लो तीन बंटे हुए ठीक है जेडे ज्यादा खंभे उच्चे होंगे ने मान लो 220 के बी लैन आ गई काफ़ी उच्ची जाऊगी ना 400 के बी 765 के बी जिहड़ियां ये लैणा ने
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗੀ,